अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश ने यह साफ कहा है कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, तेजस्वी यादव, और वही आगे बिहार को चलाएंगे। खुद नीतीश कुमार दिल्ली का रुख करेंगे। अब तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। नीतीश का खुला ऐलान, अब तेजस्वी को बिहार की कमान। इशारा तो पहले भी दे चुके थे, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार ने मुनादी ही कर डाली। हजारों के हुजूम के सामने मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि बिहार में अब उनकी सियासी विरासत के वारिस तेजस्वी ही होंगे। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिया है कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। नीतीश कुमार ने जिस मंच से तेजस्वी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया वो नालंदा डेंटल कॉलेज के उद्घाटन का मौका था। मंच पर तेजस्वी तो थे ही, वित्त मंत्री विजय चौधरी समेत कई नेता और अफसर भी विराजमान थे। नालंदा की धरती यानी नीतीश कुमार का गृह जिला, लेकिन बात सिर्फ नालंदा तक ही महदूद नहीं रही। पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में भी नीतीश कुमार ने अपना संकल्प दोहराया, साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि मुझे पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेंगे। हमारा मकसद है 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना। मतलब साफ है कि अगर 2025 में महागठबंधन को जीत हासिल हुई तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश के इस बयान ने आरजेडी नेताओं की बांछे खिला दी, सब बल्लियों उछलने लगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने उत्सव में खलल डाल दी। इस तर्क के साथ कि महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू से इतर भी पार्टियां हैं, पहले मिल बैठकर चर्चा तो कर लो, हमारी राय भी तो जान लो। माननीय मुख्यमंत्री अपने मुखारविंद से ही कहा कि हमारे बाद तेजस्वी यादव ही इस बिहार के विकास के रास्ते को आगे ले चलेंगे, तो उस पर कहने की क्या बात है? कब बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी? ये तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी त्यागेंगे तभी ना बनेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बतौर उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी ही नेतृत्व कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव जी को 2020 के चुनाव में ही बतौर मुख्यमंत्री देखा था, और आज मुख्यमंत्री जी भी तेजस्वी यादव जी को बिहार के विकास के प्रतीक और भविष्य देख रहे हैं, तो ये बड़ा सुखद संदेश है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त बिहार में तेजस्वी यादव जी का है। हालांकि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपना स्टैंड है, लेकिन हमें लगता है कि महागठबंधन के कोर ग्रुप की जब बैठक होगी तो उसमें फैसला ले लिया जाएगा। निसंदेह तेजस्वी यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 महीने पहले जब बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यही बात कही थी तो गठबंधन में भी भारी बवाल मच गया था, लेकिन नीतीश के बयान ने सारे संशय दूर कर दिए हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। हालांकि तेजस्वी को कमान सौंपने की मुनादी करने वाले नीतीश कुमार का मन दिल्ली की तरफ डोल रहा है, और बीजेपी नीतीश के इस रुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नीतीश के मिशन 2024 से झल्लाई बीजेपी अब सुशासन बाबू पर तंज के तीर छोड़ रही है, तेजस्वी को भरमा रही है, कह रही है नीतीश तेजस्वी को ठग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंद महीने पहले बीजेपी को ठगा था। नहीं, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं,
इतना दिनों बीजेपी को ठगे, वो क्या बोलते हैं, उनके वाणी में इतना विरोधाभास, वो बोलते हैं कि हमको भाजपा के कहने पर हम मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दे। अभी तो भाजपा नहीं कर रही है बलजोड़ी जो आप बनी है, वो देखिए वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं, वो न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका चकनाचूर हो गया है, वो दो रंग की बात बोलते हैं। नीतीश जी के पास एक अनुभव है कि कैसे तीन विधायकों से हम आराम से 17 सालों से राज कर रहे हैं, वह अच्छे से जानते हैं कि बिहार के राजनीति में वह समाप्त हो चुके हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए और जिस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे कि लगातार साथ भी रहेंगे और भाजपा को डैमेज भी करेंगे, यही काम वह आज राजद के साथ कर रहे हैं। यह तो उन्होंने गारंटी अपना करा ही दिया कि 2 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद चुनाव होगा, वो चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है किसने देखा। हम नहीं जानते हम क्या बोलते रहते हैं, हम तो उनको कहवे किए हैं कि रोज कुछ ऐसा बोलिए जिससे आपको पार्टी वाले में जगह मिल जाए बढ़िया से, आपको जो इग्नोर किया है आप मेरे खिलाफ खूब बोलिएगा ताकि जब कुछ अच्छा होगा, बाकी इसलिए हम नहीं पढ़ने जाते, क्या बोलते हैं हमको पता भी नहीं। सर तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है, अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं करवे करेगा एकदम करेगा, समझ गए ना। बिहार की सियासत हर दिन बदल रही है, मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है और अब उनकी निगाहें मछली की आंख की मानिंद लाल किले पर टिक गई लगती हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे इस इशारे से ही आरजेडी फूले नहीं समा रही, लेकिन क्या तेजस्वी को इस कुर्सी के लिए 2025 तक इंतजार करना होगा? 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए एक प्रबल उम्मीदवार होंगे, ऐसा उनकी पार्टी ने कई बार कहा, लेकिन नीतीश कुमार बार बार इनकार कर रहे थे। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों होंगी और वो दिल्ली का रुख करेंगे। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।